दोस्तों यहां पे मैं कंपेयर करने जा रहा हूं C11 और C2 का। C1 और C3 से मैं इसलिए कंपेयर नहीं करूंगा कि उसका जो दाम है वो 8,500 रुपये के करीब करीब है ऑनलाइन और ऑफलाइन। और वो जो दोनों फ़ोन हैं C1 और C3 वो 3 GB रैम से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर C11 2 GB रैम है, इसीलिए मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ C2 से जो कि 2 GB रैम वाला है। C2 आपको 6,400 रुपये में ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा और C11 का जो रेट है 7,499 है। तो कीमत भी पास है और 2 GB रैम है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो फ़ोन है वो है C11 जिसमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है और C2 में 6.1 HD+ डिस्प्ले मिलती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको C11 में फेस अनलॉक नहीं मिलता और Realme C2 में फेस अनलॉक भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोनों फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि नया फ़ोन है, न्यू लॉन्च हुआ है C11, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता। तो ये सारे डिफरेंस है। दोनों की जो डिस्प्ले है वो HD+ है। यहाँ पर दोनों जो फ़ोन है, पहला जो फ़ोन है न्यू लॉन्च है उसमें एंड्रॉयड 10 का इस्तेमाल हुआ है, C2 में एंड्रॉयड 9 का इस्तेमाल हुआ है और C11 में Realme का लेटेस्ट UI ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ है और C2 में कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 इस्तेमाल हुआ है। C11 में 5000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ C2 में 4000 mAh की बैटरी है। दोनों बैटरी सेम है और मतलब फास्ट चार्ज नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा बैटरी बैकअप C11 का ज़्यादा है। इसके अलावा ओवरऑल फ़ोन देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और C11 में आपको रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन भी मिल जाता है और C2 में आपको रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता। अगर प्रोसेसर की बात करें तो C11 में यानी पहले वाले फ़ोन में MediaTek Helio G35 गेमिंग प्रोसेसर है और C2 में MediaTek Helio P22 प्रोसेसर है। दोनों ही फ़ोन 2 GB रैम में है लेकिन C11 में 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो C11 अभी तक सबसे आगे चल रहा है क्योंकि प्रोसेसर भी गेमिंग है, लेटेस्ट है और रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी है। यहाँ पर आपको फ्रंट जो सेल्फी कैमरा C11 में देखने को मिलता है Realme C11 वो 5 MP है और Realme C2 में आपको फ्रंट कैमरा 5 MP का मिलता है। दोनों में सेम है, रियर कैमरा भी दोनों में सेम दिया गया है। इसके अलावा जो प्राइस डिफरेंस है तो Realme C11 7,499 रुपये में है और Realme C2 6,499 में है। दोस्तों Realme C1, C2, C3 की डिमांड वैसे ही मार्केट में पहले से ही है और ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है Realme C11, तो ये एक तरह से रीपैकेजिंग है इसी फ़ोन की क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बैटरी, रिवर्स चार्जिंग, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें डाल दी गई हैं, कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, तो यही सारा डिफरेंस है। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसको दोबारा से पुशअप करने के लिए क्योंकि C1, C2, C3 काफ़ी चल रहे थे तो इसको बरकरार रखने के लिए ये C11 निकाल दिया है। और आज की डेट में 7,500 रुपये में अगर 2 GB रैम वाला फ़ोन खरीदते हैं तो इस समय कोई मतलब बहुत ज़्यादा सही डिसीजन नहीं है 2 GB रैम लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 3 GB रैम वाला फ़ोन तो लेना ही चाहिए। दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी ये लॉन्च हुआ है तो इसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिया हुआ है C11 में। आप बैक में देख रहे हैं कैमरे की जो शेप है एप्पल की तरह है और जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बड़ी दे दी गई है, तो इस समय 2 GB रैम वाला मेरे हिसाब से तो नहीं खरीदना चाहिए। बाकी अगर आपका बजट नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि फ़ोन आपको कैसा लगा, आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या फीचर अच्छे लगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।